सांसद बालकनाथ योगी भरतपुर आत्मदाह प्रकरण में गंभीर रूप से घायल साधु विजयदास महाराज के निधन की सूचना पर उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने बरसाना पहुंचे, जहां उन्होंने घटना पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि इस घटना से निश्चित रूप से संपूर्ण राष्ट्र में संत समाज और धार्मिक जन आहत हुए हैं। उन्होंने कहा कि देशभर में इस घटना से राजस्थान प्रदेश कलंकित हुआ है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की है। उन्होंने कहा कि जिस देश में हमेशा से संत महात्माओं की पूजा की जाती रही हो, वहां किसी साधु को जिंदा जलने पर मजबूर किया जाना अत्यंत हृदय विदारक और मन मस्तिष्क को विचलित कर देने वाली घटना है। उन्होंने कहा कि घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इस मौके पर ब्रह्मलीन संत विजयदास को लेकर कहा कि ब्रजभूमि धार्मिक और सनातन संस्कृति से जुड़ी पहाड़ियों और धार्मिक स्थलों को संरक्षित करने के लिए महाराज विजयदास के द्वारा किया गया बलिदान हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आसुरी शक्तियों से सदैव हमारे ऋषि महर्षि संतों ने संघर्ष करते हुए सनातन धर्म और संस्कृति को बचाने का प्रयास किया। संत विजयदास का बलिदान भी उसी परंपरा का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान आसुरी शक्तियों से प्रेरित राजस्थान सरकार की उपेक्षा और उदासीनता के कारण आज संत विजयदास को हमें खोना पड़ा है। सरकार ने अवैध खनन रोक पर समय रहते निर्णय ले लिया होता तो संतों को 551 दिन तक आंदोलन नहीं करना पड़ता और ना ही संत विजयदास महाराज को आत्मदाह के लिए मजबूर होना पड़ता। उन्होंने कहा कि क्योंकि राजस्थान सरकार से जुड़े लोगों का खनन में बड़ा हिस्सा था, इसी राजस्थान सरकार ने संतों की मांग को अनसुना कर दिया। संत की हत्या का यह महापाप राजस्थान कांग्रेस सरकार को अवश्य लगेगा। देश की जनता और समस्त संत समाज राजस्थान सरकार और कांग्रेस पार्टी को इस कुकृत्य के लिए कभी माफ नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मामले पर भाजपा पार्टी द्वारा राष्ट्रीय व प्रादेशिक स्तर पर जांच समिति गठित की गई है। वह प्रादेशिक समिति में शामिल है भाजपा प्रदेश नेतृत्व के द्वारा गठित समिति के समस्त सदस्य जल्द ही इस मामले में रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए संत विजयदास को न्याय दिलाने के लिए सामूहिक रूप से संकल्पित भाव से प्रयास करेंगे।